दोस्तों वोटों की गिनती अभी जारी है, लेकिन यहाँ पर कुछ अहम बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसे सुनना और समझना बेहद ज़रूरी है हम सबके लिए। पॉइंट नंबर वन, बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हो रही है। बीजेपी को सिर्फ 249 सीटें मिल रही हैं। ऐसे में बीजेपी अपने दम पर तो सरकार नहीं बना सकती, और बीजेपी को सपोर्ट करने वाली पार्टियाँ जैसे नीतीश कुमार की JDU और चंद्रबाबू नायडू की TDP, अगर ये पार्टियां किसी भी वजह से बीजेपी से दूरी इख्तियार करती हैं और कांग्रेस से हाथ मिला लेती हैं, जो कि पॉसिबल है, ऐसे में सरकार बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की बनेगी। दोस्तों दूसरी अहम बात, उत्तर प्रदेश जहां पर बीजेपी को बहुत ज़्यादा भरोसा था, फुल कॉन्फिडेंट था, जीतने के चांसेस ज़्यादा थे, वहां पर बीजेपी को लाइफ टाइम का सबसे बड़ा सबक पब्लिक ने सिखाया है, दिया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें हासिल हो रही हैं, जबकि कांग्रेस और अखिलेश यादव की पार्टी SP को 40 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। दोस्तों आपको बता दूं, 2014 में यूपी में 80 में से 71 सीटें बीजेपी को मिले थे और 2019 में 62 मिले थे बीजेपी को, और अब सिर्फ 33। ये बीजेपी की उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी हार है। इतना ही नहीं दोस्तों, फैजाबाद अयोध्या जहां पर मंदिर बनाया गया, बीजेपी को भरोसा था कि वहां से बीजेपी जीतेगी, लेकिन वहां पर भी बीजेपी हार रही है।